Hello and welcome students. Welcome to a new session of English. We'll start with a new poem that is Everybody Says. First you see the warming up exercise. Who do you think you look like? Father, mother, aunt, uncle, grandfather or grandmother? Paste pictures of yourself and that family member here. अभी ये पोएम में हमको क्या बताया है कि जो पोएट है वो हमको बता रही है कि हर एक के फैमिली में ऐसा होता है, जैसे आपकी फैमिली में भी होगा कि आपके कोई बोलता होगा आप आपके मदर जैसे दिखते हो, आप आपके फादर जैसे दिखते हो, आप आपके आंटी जैसे दिखते हो या अंकल जैसे दिखते हो. ओके, सो ये एक्टिविटी में क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका फ़ोटो पेस्ट करना है. छोटे फ़ोटो आते हैं ना पासपोर्ट साइज़ के, यहाँ आपका फ़ोटो पेस्ट करना है. और आप किसके जैसे दिखते हो, अगर मम्मी के जैसे तो यहाँ मम्मी का फ़ोटो लगाना है, पापा के जैसे तो पापा का, आंटी के जैसे तो आंटी का. ओके, दिस इज़ योर एक्टिविटी. नाउ सी द पोएम. रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट इज सेइंग अबाउट द वे शी लुक्स. पोएट हमको बता रही है कि वो कैसे दिखती है. ओके, नाउ सी द पोएम. फर्स्ट आई विल रीड द फर्स्ट स्टैंजा. Everybody says I look just like my mother. Everybody says I am the image of Aunt B. Now, everybody says I just look like my mother. तो पोएट हमसे क्या बोल रही है कि सब उनको क्या बोलते हैं. Everybody says मतलब सब लोग क्या बोलते हैं. I just look like my mother मतलब मैं जो हूँ किसके जैसी दिखती हूँ, मम्मी के जैसी, मदर के जैसी. फिर सेकेंड सेंटेंस में बोले कि एवरीबडी सेज आई एम द इमेज ऑफ आंट बी. इमेज मतलब उसके जैसे दिखना है या उसके जैसे कॉपी. देखो यहाँ मीनिंग दिया है कॉपी ऑफ और लुक लाइक समवन. ओके स्टूडेंट्स, सो कोई पोएट को बोलता है कि आप किसके जैसे दिखते हो, आपकी मम्मी जैसे. कोई बोलता है कि आप आपकी आंटी के जैसे कॉपी हो. ओके, मार्क द हार्ड वर्ड स्टूडेंट्स. इन फर्स्ट पैराग्राफ मार्क एवरीबॉडी, मार्क मदर, मार्क इमेज एंड आंट. ओके, नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा. एवरीबॉडी सेज माय नोज इज लाइक माय फादर्स बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी. अभी सेकेंड पैराग्राफ में वो क्या बोल रही है कि सब बोलते हैं कि मेरी जो नोज है वो किसके जैसी है, मेरे पापा के जैसी, फादर के जैसी. बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, बट मुझे तो अपने आप, आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, मुझे अपने आप जैसा ही दिखना है, मुझे किसी और के जैसा दिखना नहीं है. जैसे आपको भी कोई बाहर से आता है, गेस्ट आता है, तो देखो आपको बोलता है कि अरे आप तो आपके मम्मी के जैसे दिख रही हो, अरे आपकी आईज तो आपके पापा के जैसी है, आपका फेस तो मम्मी के जैसा है, पापा के. तो वैसे ये पोएट को भी हर एक लोग जो है वो कमेंट करते हैं. आई रीड द पोएम अगेन, पे अटेंशन. एवरीबॉडी सेज आई जस्ट लुक लाइक माई मदर. एवरीबॉडी सेज आई एम द इमेज ऑफ आंट बी. Everybody says my nose is like my father's but I want to look like me. Okay students, you have to learn this poem also. Bahut choti si poem hai, aapko ye learn bhi karna hai. Second thing, ye jo hard words aapne mark kiye ho, you have to write hard words 5 times in your notebook. And this meaning, image of, copy of or look like someone, ये मीनिंग भी आपको 5 times लिखना है. ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. एवरीबॉडी सेज द चाइल्ड लुक्स लाइक हर मदर. एवरीबॉडी सेज द चाइल्ड्स नोज इज लाइक हर फादर. नोज कैसी थी, फादर के जैसी ना. Yes. The poet says, I want to look like me. Okay, students, turn your page.
Complete the answers to these questions. In the second line, what does everybody say about the child? Second line में सब क्या बोलते हैं ये देखो ये second line. Everybody says, I just look like my mother. So, everybody says that the child looks like her mother. Who is the child an image of? The child is an image of Aunt B. Okay. Now, आपको hard words, meanings, this question and this. You have to complete it in your notebook, classwork notebook. But hard words or meanings आपको 5-5 times write down करने हैं and this. Choose the correct option and this question answer only one time. Textbook में भी और notebook में भी. Okay students, now see the next page. See here. Everybody, it is made up of two words, every plus body. मतलब दो words को join करके एक word बनाया, जैसे butter plus fly is butterfly. See here, bed plus room, bedroom. Fire plus man, fireman. तो ऐसे ही they have given us match the pairs. हमको दो words join करके एक word बनाना है. See, first is given rain plus coat, raincoat. Out, side, yes, outside means out को side से match किया. Gentle plus man, gentleman. Camp. Fire. And head master. Okay students, I hope you understood all this. Complete your book. Thank you.